हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ये वी लाइट, और गाइस साथ ही साथ में हम इसका सेटअप करने वाले हैं। तो पिछली बार हमने इसे अपने आप ही बनाया था जो कि रेड कलर की थी, और अब की बार हमने गाइस ये ऑर्डर किया है ऑनलाइन ओनली 150 रुपीज़ में, वो भी अमेजोन से। तो गाइज़ अगर आप चाहें तो इसे फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अमेज़ोन पे ज़्यादा सस्ता था और इस पर ग्रेट इंडियन सेल भी चल रही थी, तो इसलिए मैंने अमेज़ोन से बाय किया है। और देखिए ये छोटा सा पैकेट इसी लाइट का है और काफ़ी ज़्यादा हल्का है, 100 ग्राम से भी 50 ग्राम से भी कम होगा इसके अंदर। और चलिए जल्दी से इसे कट कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर किस टाइप से ये लाइट पैक हुई है और कितनी बड़ी है। सो गाइज ये है हमारी लाइट्स, और इसे अच्छे तरीके से पैक कर दिया गया है क्योंकि ये प्लास्टिक का है तो डैमेज हो सकता है, क्योंकि बॉक्स में नहीं आया है, पैकेट में आया है ये, तो इसे अच्छी तरीके से पैक किया गया है। तो जल्दी से इसे खोलते हैं और देखते हैं किस तरीके की लाइट है और कितनी बड़ी है। तो काफ़ी ज़्यादा रैपिंग की गई थी, और देखिए ये हमारी लाइट है, और देखिए इसके अंदर एक बॉक्स है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कंपनी वगैरह लिखी हुई है और मॉडल नंबर वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पे। और देखिए ये इसके कलर का स्टिकर भी लगा हुआ है यहाँ पे। दोस्तों स्टिकर पिंक कलर का है, तो जो मैंने ऑर्डर किया है वो येलो कलर का था और इस पे स्टिकर लगा हुआ है पिंक कलर का। देखते हैं अब इसके अंदर किस टाइप का कौन सा कलर निकलता है, वो तो अब इसमें सेल डाल लेंगे, बाद ही पता चलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे एक स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, और यहाँ पे इसके सेल के वायर्स लगे हुए हैं, और देखिए यहाँ इसमें 3 सेल लगते हैं नॉर्मल वाले। और चलिए अभी मैं इसे ओपन कर देता हूँ, और देखिए यहाँ पे इसके अंदर एक सेल लगा सकते हैं हम 3, और देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है एक, ताकि ये लाइट ज़्यादा ब्राइट ना जले और फ्यूज़ होने के चांसेस कम हो जाएं। और देखिए यहाँ पे 3 सेल लगते हैं सीरीज़ में, और इसे हम चाहे तो चार्जिंग वाला भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमें बस इसे ओपन करके यहाँ पे एक चार्जिंग की पिन लगानी है जैक, और ये चार्जिंग वाला बन जाएगा, और उसके बाद इन दोनों में कनेक्ट करनी है। अगर आप चाहें तो गाइज इसे चार्जर से भी चला सकते हैं किसी मोबाइल के, डायरेक्ट इसके वायर मोबाइल के चार्जर से कनेक्ट कर दो और ये लाइट सारी जल जाएंगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सबसे पहले इन लाइट को चेक करते हैं कि ये किस तरह की लाइट है, कौन से रंग हमें मिला है इसके साथ में। तो ये हमारे 3 सेल, अलग अलग जगह से मुझे निकालने पड़ गए हैं ये सेल, और अभी मैं इसमें डालने वाला हूँ और देखते हैं कौन सा कलर इसमें जलता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को आपका ध्यान रखना है और सेल इस तरीके से लगाना है, ये तो सबको पता ही होता है। तो चलिए जल्दी से मैं इन सेल को इंस्टॉल करता हूँ, और देखिए इसके अंदर वाइट कलर आई है, और जो मैंने ऑर्डर की थी वो येलो कलर की थी, पर वाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। वैसे वाइट का रेट अमेज़ोन पे काफ़ी ज़्यादा था, 350 के करीब था, और ये 150 में मिली है मुझे। ये गोल्डन थी लेकिन वाइट आ गई है, पर ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और देखिए ये लगभग 3 मीटर्स के जितनी लंबी है, और इसमें 30 LEDs लगी हुई हैं, छोटी वाली, बहुत ज़्यादा छोटी LED है, तो ये हमारी काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाली हैं। तो गाइज़ ये जो चीज़ है सजावट के काम की है, लेकिन हम इसे साइकिल में यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि गाइज़ जो साइकिल की लाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा महंगी थी, वो थी 350 रुपीज़ की, और ये हमें पड़ी है ओनली 150 रुपीज़ की। कितना ज़्यादा अंतर है दोनों के प्राइस में, और दोनों ही सेम टू सेम है, बस थोड़ी सी उसका जो बॉक्स है वो अलग टाइप का है। और देखिए इससे हम अलग अलग जगह पे लगा के इससे डेकोरेशन भी कर सकते हैं और साइकिल में भी लगा सकते हैं। तो चलिए अभी हम लगाने वाले हैं अपनी साइकिल में। तो यहाँ पे खड़ी हुई है हमारी साइकिल, और इसके पिछले वाले रिम में हम ये लाइट लगाने वाले हैं। तो यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये लाइट कितनी ज़्यादा लंबी है। तो लगभग आप इस व्हील पे 1.5 बार लपेट सकते हैं। तो अगर आपको ये बाय करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। और सबसे पहले इसका लास्ट वाला जो एंड है वो लेना है हमें, और इस लास्ट वाले रिम पे
लपेटना है। तो गाइस मैं बता दूँ, इसके जो वायर हैं वे ऐसा लगता है जैसे कि नंगे तार हो, मतलब इनके ऊपर कोई इंसुलेशन वगैरह नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसके ऊपर इंसुलेशन लगी हुई है और वो भी सिल्वर कलर की है, तो पता नहीं चलता है कि इसके ऊपर कोई इंसुलेशन लगी हुई है। तो अगर आप इसे कहीं पे भी लपेट रहे हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो वायर्स हैं आपस में टच भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइट जलने वाली है। और सेकंड बात ये गाइस की लाइट बिल्कुल वाटरप्रूफ है। जो इसका बॉक्स है वो वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन जो LEDs हैं ये वाटरप्रूफ है। आप इसे किसी बोतल में डाल के सजावट के लिए भी रख सकते हैं इस लाइट को। और देखिए अभी हमने जो सेटअप है वो कंप्लीट कर लिया है, पूरे व्हील में गोल्ड सर्कुलर इसे लपेट दिया है। और बॉक्स को हम यहाँ पे बीच में लगाने वाले हैं, क्योंकि हम बाहर नहीं लगा सकते, नहीं तो तार टूट जाएगा, इसलिए व्हील के अंदर ही लगाना पड़ेगा। और लगाने के लिए मैं एक जिप टाई का यूज़ कर रहा हूँ, तो 2-3 जिप टाई से हम इसे अच्छे तरीके से टाई कर देंगे, ताकि ये अपनी जगह से हिले ना और अच्छे से ये यहाँ पे फिक्स रहे जब हम साइकिल चलाएं। तो कुछ नहीं करना है, बस जिप टाई से तो ईजिली लग ही जाता है। और हाँ गाइज, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो वो मिस ना कर सके आप। और देखिए यहाँ पे हमने लाइट लगा दी है और स्विच कर दिया है ऑन, और देखिए कितनी अच्छी लग रही है अभी लाइट, रात में तो ये और ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो ये हमारी लाइट का सेटअप कंप्लीट हो चुका है, और अभी हम व्हील को रोटेट करके देख लेंगे कि कहीं से तार वायर टूटने का डर तो नहीं है, नहीं तो बाद में अगर हम चलाएंगे तो वायर टूटने का डर होता है। तो ठीक है गाइस, कनेक्शन बिल्कुल सही है और वायर भी अच्छे से घूम रहा है। और अब टाइम है इसे रात को टेस्ट करने का, तो देखिए गाइस कितनी ज़्यादा ब्राइट है, और ये नाइट में बिल्कुल अच्छी लुक देते हैं। और जो हमने लगाई थी उससे ज़्यादा LEDs हैं, हमने शायद 25 अराउंड LED लगाई थी जो हमने खुद बनाई थी, और उसमें मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा लगी थी, प्लस उसके तार भी कभी भी टूट जाते थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पतले तार लगा दिए थे हमने उसमें। तो इसलिए अगर आपको वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन में आ रही होगी, वो वीडियो आप देख सकते हैं। ये लाइट हमने खुद बनाई थी रेड कलर में, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। तो अगर आप बनाना चाहें तो उसे बना सकते हैं खुद भी, या ऑर्डर करना चाहें तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने लाइट लगा दी है, और देखिए रात में कितनी ज़्यादा चमक रही है लाइट, जो है ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है रात को ये लगी हुई साइकिल में। और नाइट राइडिंग के लिए गाइस ये मैं कहूँगा कि ये लाइट बेस्ट है। देखिए हेडलाइट से भी ज़्यादा इसकी रोशनी है, और अंधेरे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और लाइट में भी काफ़ी अच्छी चमकती है ये। तो अगर आप चाहें तो इसे बाय कर सकते हैं, ये आपके बहुत काम में आने वाली है, आप इसे जब चाहे साइकिल में लगा सकते हो। और गाइस इसके तार भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, वायर गाइस काफ़ी ज़्यादा पतले हैं, लेकिन कोई डरने की बात नहीं, वायर में काफ़ी ज़्यादा मजबूती है। मैंने 2-3 बार साइकिल पे रैप किया है और व्हील में भी लगाया है, लेकिन एक भी तार नहीं टूटा है। तो इससे मैं कहूँगा कि ये लाइट काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो अगर बाय करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ, और आपके लिए ऐसी वीडियो आती रहे। तब तक के लिए बाय।